मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद यशोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद यशोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को उनने प्रश्न किया है, उनका प्रश्न है कहते ग्राम्य कथा बोला, वो ग्राम्य कथा सुना कि भक्ति हानिकारक वो अमंगलजनक। यहाँ पर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा छोड़ करके ये दुनियादारी की बात करे, ग्राम्य मतलब जैसे संसार का लोग देखना, 8-10 लोग जब इकट्ठे हो जाते क्या बात करते हैं, अरे बेटा कैसे, तेरी बेटी कैसे, तुम्हारे धंधा कैसे चल रहा है, उसको घर में ये हो रहा है, उसको घर में, दुनिया की बात वहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान की कथा छोड़ करके जो इधर उधर की जो बात करते हैं, हैं ये कथा बोला बोलना क्या अच्छा है और सुनना क्या भक्ति के लिए हानिकारक और अमंगल क्या है, किसने प्रश्न किया, तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हुए निश्चय है ये सब भगवान की कथा छोड़ कर दूसरे कथा बोलना सुनना ये हमारी भक्ति के लिए हानि करेगा। इसलिए महाप्रभु खुद ये बात को बोले थे। क्या बोले थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम सुने कि नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी ये बहुत बड़े घर के बच्चे थे, दो भाई में एक बेटा है, एक का तो एक बेटा नहीं, एक का एक बेटा है, और संपत्ति कितने उदाहरण दिया है, कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, कहते इंद्र के बराबर जिनके घर में रुपया पैसा है। बोले पत्नी कैसे थी, बोले स्त्री अप्सरी समर्थ, तो स्त्री थी वो अप्सरी जैसे, हम उदाहरण देते ना ये लड़की अप्सरी जैसे दिख रही, मतलब बहुत सुंदर है ऐसे। लेकिन जब उनने सब छोड़ करके महाप्रभु का भक्ति में आए, भगवान की भजन करने के लिए उन्होंने आए आए तो महाप्रभु हैं, महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को सौंप दिया, बोले तुम इनके अनुगत्य में भजन करना। तब उन्होंने उनके अनुगत्य में भजन करते थे। एक समय से रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने महाप्रभु से प्रश्न किया, बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आपकी श्रीमुख से कुछ सुनने। बोले स्वरूप दामोदर पास में तो दे दिया, मेरे से ये सब ज़्यादा जानता है, तो उनसे ही भक्ति का शिक्षा लो। बोले नहीं, तब भी प्रभु मैं चाहता हूँ आपका मुँह से कुछ मेरे लिए कुछ अच्छी वाणी निकल जाए, तो आपसे मुँह से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो उसी समय में महाप्रभु बोले ग्राम्य कथा ना सुनवे, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे, भालो ना पड़ी वे आर भालो ना खाई वे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करवे। ये महाप्रभु का 3-4 लाइन में समझो, उनने सारे उपदेश उन्होंने 3-4 लाइन में दे दिया। पहला क्या कहते हैं महाप्रभु, कहते कोई भगवान की कथा छोड़ करके कोई दुनियाभर की बात को नहीं बोलना और इस सब बात को सुनना भी नहीं, इस बात को बोलना भी नहीं। बोले क्यों नहीं बोलेंगे, कहीं नहीं सुनेंगे। अब देखना, अब जो बोलोगे ना वही चिंतन करोगे, जो सुनोगे वही चीज़ को तुम चिंतन करोगे। अगर भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान के बारे में बोलोगे तो तुमको भगवत चिंतन होगा। अगर तुम भगवान को छोड़कर दूसरे बारे में बोलोगे वही तुम्हारी स्मरण होगा, वही तुम्हारी स्मरण होगा। इसलिए महाप्रभु कहते बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आन कथा ना बोली वे, आन कथा ना सुनी वे, जद्दी मिली वे आने है। इसका मतलब है भगवान की कथा बोल करके छोड़ करके बोलना नहीं कोई बात, भगवान की कथा छोड़ कर सुनना नहीं, जद्दी मिली वे आने। अगर हम और किससे मिलते हैं ना, कभी भी दुनियादार की बात नहीं करो, क्या बात करो, आज तुमने कितना माला की है, पता ठाकुर को तुमने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, बताओ भागवत का कौन सा स्कंध तुमने पढ़े हो, अभी कौन सा ग्रंथ तुम पढ़ रहे हो, भक्ति की कोई ग्रंथ पढ़ रहे कि नहीं, ठाकुर जी के लिए आज क्या तुमने रसोई बनाया हैं। जो कोई बात हो ना तुम्हारी, वो बात भगवत संबंधी बात होनी चाहिए, ये दुनियादारी संबंधी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए।
इसलिए कहते जहारा हरि भजन श्रद्धा विशिष्ट और रुचि संपन्न ताहादर जनई ये कथा गुली बोला हैया छे। यहाँ पर कहते हैं ये जो बात बताया गया है, कहते ये किसके लिए सब बात बताया गया है, मतलब उन्हीं के लिए बताया गया है जिनको भगवान की भक्ति में रुचि है, भगवान की भक्ति में जिनकी श्रद्धा है। नहीं तो दुनिया की बात देखो, सारा भगवान कथा, तो कौन दुनिया में कौन सा कथा बोलते हैं, सारा दुनिया की कथा बोलते हैं, भगवान की कथा तो इसको मुँह से सुनोगे नहीं है। इसलिए बंगला में एक भजन भी है, कहते भैया अगर जिसको मुँह में हरि कथा नहीं है ना, हाँ जार मुख्य भाई हरि कथा नहीं तारे ताछे तुम्हें जाइयो ना, बोले जिसको मुँह में हरि कथा नहीं है ना उसको पास में मत जाया करो, और कहते उसको पास में मत बैठा करो, उसी व्यक्ति को पास में बैठो, उसी व्यक्ति के संग करो जिसको मुँह में भगवान की कथा है, जो भगवान की बारे में सुनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मुँह भी मत देखने के लिए मना कर दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते भाल खावा तो निजर बेसी खेती है, मतलब भालो ना पड़ी वे, मतलब बढ़िया खाना नहीं, बढ़िया खाना भी नहीं और कहते बढ़िया पहनना भी नहीं है। कहते बढ़िया पहनने में बढ़िया खाने में क्या खेती, मतलब बहुत ज़्यादा अगर बहुत बढ़िया बढ़िया खाओगे फिर उसमें इंद्रिय क्या होगा, इंद्रिय तुम्हारे तेज होगा, इंद्रिय तेज होगा तो फिर मन इधर उधर भटकेगा, मन फिर तुम्हारी इधर उधर जाएगा है। इसलिए यहाँ पर कहते अगर कोई बढ़िया खाता है वो अपना ही थोड़ा हानि होगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति बढ़िया पहनता है कहते अपना हानि तो है ही है, उसमें दूसरा का भी हानि है। बोले क्यों, अब देखना जैसे हम आज कोई बढ़िया साड़ी बढ़िया कपड़ा पहने, अब देखना शीशा के सामने खड़े होकर के 10 बार देखते रहेंगे हैं, ये सूट सलवार कैसे लग रहा है और ये साड़ी कैसे लग रही है और आज मैं कैसे सुंदर लग रहा हूँ। अब पता है दिन भर जितना बार जाओ उतना सामने खड़े होकर रहते कि शीशा के सामने उतना बार देखते रहेंगे, इतना नहीं घर में तो देखा, जब रोड में जाएंगे हैं, जब रोड में जाओ फिर देखोगे आज इतने बढ़िया साड़ी पहना है, अभी ये साड़ी को कोई देख रहा है नहीं है, आज कोई देख, अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं, कल कोई बोल रहा था ना, कोई बोल, अगर कोई कुछ बोलेगा नहीं खुद बोलेंगे इस, हाँ जीत प्रभु बोल रहे थे ये साड़ी क्या मेरे को जच नहीं रहा है इसलिए कोई कुछ नहीं बोला तो खुद बोलना शुरू कर देते हैं ये साड़ी तो मेरे को जच नहीं रहा है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि तो अच्छे खाने से जितना नुकसान है, बढ़िया पहनने से अपना भी नुकसान है और दूसरा का भी नुकसान है, दोनों का ही नुकसान है। इसलिए अपरे जन्य लोग भालो पड़ी हैं, अपरे जन्य के न अपरे चखुन्द्रिय और मन की हरि भजन अते छुट्टी करावर भालो परार उद्देश्य। कहते लोग जो बढ़िया पहनते हैं, क्यों बढ़िया पहनते हैं, वो जितने अपना लिए पहनते हैं ना, जितने अपना इंद्रिय सुख के लिए, उससे ज़्यादा दूसरों को खराब के लिए। ये साड़ी पहनने के लिए जाएंगे तो दुनिया हम देखेंगे हैं, कहीं हमारी कथा हो रही थी तो उसमें कुछ माताएं थी, वो क्या करती थी, इतने चमक धमक पहन करके आती थी ना, इतने चमक धमक पहन के सोच नहीं सकते, वो क्या करती थी, जान बुझ करके ना कथा के बीच में खड़े हो जाए और कथा में करता रहा था। जब कथा में कर रहा था, अब देखना कथा तभी हम बोल पाएंगे जो सामने जो बैठे हुए व्यक्ति अगर एक मन से अगर सुने तो, अगर वो एक मन से अगर कथा सुने ना फिर तो हम कथा को हम बोल पाएंगे। अगर सामने व्यक्ति का मन अगर इधर उधर भटकेगा ना, अब देखना फिर जो कथा बोलता है फिर वो कथा ठीक से नहीं बोल पाएगा। इसलिए जब वो खड़े हो जाए ना फिर क्या होता है, लोग एकदम इतने चमक धमक पहन के आते थे, देखने में भी अच्छे थे, ये सारे लोग मेरे कथा क्या सुनेंगे, मेरी कथा नहीं सुनते सब उधर देखना सर। अब देखना माताओं की बड़ी ये बुरी आदत है, कोई एक अगर माताएं कोई अच्छी कोई साड़ी पहन कर आ जाए ना, कोई सारे कथा बता छोड़ कर सब उसको तरफ देखें, आज कैसे साड़ी पहन कर क्या है, कैसे सज धज करके आए, अभी मेरे को कथा में बारम्बार डिस्टर्ब हो। फिर मैं कभी कभी फिर मैं बोल देता हूँ, बोले भैया बारम्बार कथा को बीच खड़े मत हो, कथा में डिस्टर्ब होता है, कथा में डिस्टर्ब होता है, क्यों बारम्बार खड़े होती, वो पहन करके आई चमक धमक ऐसे साड़ी बढ़िया एकदम सर धज कर आती है। इसलिए कहते हैं, कहते उसमें क्या होता है, अपना तो हानि है ही है,
अक्सर करके जो बढ़िया चीज पहन दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ आज अगर साड़ी पहन कर जाएंगे सारा दुनिया देखेंगे बाबा रे क्या साड़ी पहन कर आए। अब कथा में बैठे हुए अब देखना, अगर हमसे कोई बढ़िया साड़ी पहन कर आ जाए ना, बारम्बार देखते रहेंगे कि हमसे इतने बढ़िया साड़ी पहन लिया कैसे, हमसे भी बढ़िया साड़ी कैसे पहन लिया है। इसलिए कभी कभी ये चीज़ को सोचने लग जाते हैं कि बड़े, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हैं कहते जी कहते हैं अपर जन्म के न अपरेर इन चक्षु इंद्रिय और मन के भाल हरि भजन है छोटी करार जन्य भाल पर उद्देश्य। इसलिए बढ़िया बढ़िया पहनते हैं दूसरों का मन को आकर्षण करने के लिए हैं, और आकर्षण करने के लिए मेरे कोई देख रहे कि नहीं इसमें क्या होगा, दूसरा का भी भजन उसमें, दूसरा का भी भजन नष्ट और अपना भजन भी नष्ट है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते जिहार लालसा भालो नहीं ताहते भक्ति हानि है, जिहार लालसा जय इति उति धारे कृष्ण द्वर परायण कृष्ण नहीं पाए। यहाँ कहते हैं जैसे जो व्यक्ति केवल खाने की चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं, हैं केवल खाने की चक्कर से इधर उधर भागते रहते हैं, पर उनका क्या होता है कहते उसमें भक्ति हानि होती है, भक्ति हानि होती है। बोले क्यों, बोले उसमें क्या होता है बहुत बढ़िया खाने से हैं, विशेष करके जो त्यागी भक्तों के लिए कह रहे, जो गृहस्थ लोग तो संसार में है ही है, जो त्यागी है विशेष करके उसको बढ़िया बढ़िया पर खाने से क्या होगा, तुम्हारी इंद्रिय तेज होगा, काम की वासना जगेगा। बड़े शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, इसलिए क्या होगा काम की उत्तेजना बढ़ेगा, फिर तो इधर उधर भटकेगा, फिर इधर उधर अपना मन को चलाएगा, उसमें क्या होगा उसमें भक्ति की हानि होगी। इसलिए कृष्ण नहीं पाए यह वो महाप्रभु कथा ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे भालो खावा है, ग्राम्य वार्ता सुन ले भालो खावार चे वो निजर अमंगल वैसी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो जो बढ़िया बढ़िया खाते हैं है? जो बढ़िया बढ़िया खाते हैं उससे भी ज़्यादा हानिकारक प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु भगवान की कथा छोड़ करके दुनियादारी की कथा सुनते हैं, इधर उधर की बात सुन तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, खाने से भी ज़्यादा हानिकारक जो इधर उधर बात, क्योंकि जैसे सुनोगे वैसे बोलोगे वैसे चिंतन करोगे। इसलिए ग्राम्य वार्ता सुन ले भालो खावार चेओ निजे अमंगल वैसी है, उससे अपना अमंगल ज़्यादा होता है। और ग्राम्य वार्ता बोली ले भालो परार थे को अपर वैसी असुविधा करा है। तो जब हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके हम दूसरे की बात करते हैं, भगवान की कथा सुन करके दूसरे हम बात करते उसमें क्या होता है कहते उसमें ज्ञामा वार्ता बोले ले भालो परार थे क्यों, जो बढ़िया बढ़िया पहनते हैं उससे भी भालो भालो पहनने पर क्या होगा, हम कोशिश करेंगे हमें कोई बढ़िया से देख रहा है कि नहीं आज कैसे, बोले उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जब हम भगवान की कथा छोड़ करके हम दूसरे की बात करते हैं। बोले क्यों, बोले जब भगवान की कथा छोड़ कर दूसरी बात बोलोगे एक तो अपना हानि तो किया ही, क्यों भगवान की बात में छोड़कर दूसरे की बात इधर उधर निंदा चुगली करते हो, फिर उसको क्या जो सुनेगा उसका भी अमंगल और जो बोलेगा अपना भी अमंगल है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कार्य ना करें चैतन्य से ही तारीफ कहले, कहते महाप्रभु को कैसे हम वशीभूत कर सकते हैं, बोले तभी वशीभूत कर सकते हैं कहते कार्य ना करें निंदा, जो कभी किसकी निंदा चर्चा नहीं करते हैं, कृष्ण कृष्ण बोले हर समय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो उसमें बोलना तो कृष्ण कथा ही बोलना, सुनना तो कृष्ण कथा ही सुना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कहते अपर रे वैसी असुविधा है, कहते अपना तो गया ही और दूसरा का भी गया। हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज थे, अगर कोई आ करके उनके पास में है इधर उधर का बात बोलते थे ना, कहीं भी बोलते थे वो उच्च स्वर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे, मतलब वो ये नहीं कहते तो क्यों बोलते हो, वो केवल हरे कृष्ण जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, इसका मतलब वो बोलते भैया इधर उधर की चर्चा नहीं करके अपना समय को बर्बाद नहीं करके हरि नाम करो, हरि नाम से तुम्हारा कल्याण है, हरि नाम से तुम्हारी मंगल है। इसलिए कहते असत वार्ता, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते असत वार्ता और ग्राम्य कथा वेश्या सदृश, असत वार्ता वेश्या मति सर्वस्वहारिणी। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भगवान की कथा छोड़कर जो दूसरी कथा जो असत वार्ता क्या उसको उन्होंने उदाहरण दिया वेश्या, क्या वेश्या मति सर्वस्वहारिणी। वेश्या क्या करती है, सारे पैसा को ऐंठ लेती है और उसका बुद्धि भी नष्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर बताए जो असत वार्ता है वो क्या भले वेश्या है, जैसे वेश्या सब कुछ लूट लेती हैं, सब कुछ अपहरण कर देती हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुन करके दूसरे कथा बोलेगा सुनेगा क्या हो गया, कहते वेश्या है, वो बुद्धि को मार देता है, बुद्धि को खराब कर देती हैं। इसलिए कहते वेश्या क्यों बताए, बोले वेश्या किसको कहते हैं जो अपना पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों को पास नहीं जाए, उसको वेश्या कहते हैं। कहते इसलिए कहते हमारी पति कौन है, कहते जीवा असति दार्दुर्ग एव सुतन च उपगायंती उरुगायगा था है। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की कथा छोड़ कर दूसरी कथा बोलते हैं, कहते जीवा असति, कहते वो जो जीवा है वो असत्य जीवा है, है? वो असत्य जीवा है, वो सती नहीं। सती किसको कहते हैं जो अपना पति की ही सेवा करे, उसको सती कहते हैं है? इसलिए तो हमारे पति कौन है, हमारे पति तो भगवान कृष्ण ही है ना, वही तो हमारे पति। ऐसे वर को क्या भरे जो जन्म और मर जाए, बर बरी और गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए हमारे पति तो कृष्ण ही है ना, तो पति कृष्ण ही है, फिर हम कृष्ण बाता कथा को छोड़ करके फिर दूसरी कथा हम क्यों बोले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते ग्राम्य कथा को जो बोलते हैं उनके लिए वेश्या घोषात्मन को वेश्या घोषात्म उदाहरण दिया है, बोले ताहरा द्वारा जीवर चित्त कलुषित और विक्षिप्त है बोलिया हरि भजने खूब बाधा है। लेकिन जब हम भगवत कथा छोड़कर दूसरी कथा बोलते हैं उसमें क्या होता है, चित्त उसमें कलुषित होता है, अलग बात है। इसलिए चित्त उसमें कलुषित होता है और उसमें चित्त विक्षिप्त होता है और उसमें हरि भजन में खूब बाज्य कथा है ज्यादा रुचि बेसी तादर हरि कथा है स्वाभाविक रुचि अभाव जानी चाहिए। अब देखना एक बंगला में कहावत है चोरा ना सुने धर्मेरे कहानी, फिर जो चोर है ना वो कभी धर्म की बात नहीं सुनेगा। बोले क्यों नहीं सुनेगा, वो चोर धर्म की बात क्यों नहीं सुनेगा, जानता है अगर धर्म की बात में सुन लिया ना तो चोरी नहीं कर पाऊंगा, मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। छोटी सी कहानी सुन लो, अब देखना जो पिता जो पिता जैसे होता है ना बच्चों को वही सिखा देता है। किसका पिता था चोर, तो चोर तो बच्चे को चोरी की सिखा दे, बोले देख बेटा चोरी करना तो है लेकिन किसी कारण से पकड़ कभी भी तो स्वीकार नहीं करना मैंने चोरी की। अब देखना जो पक्के जो कच्चे चोर है ना थोड़ा पिटाई हो जाए बोल देते हैं, लेकिन जो पक्के चोर है ना ए जितने पीटो उसको जितने पीटो, बोले मैंने लिया ही नहीं क्योंकि उनको पक्के चोर है ना, अगर एक बार अगर उसने बोल दिया मैंने ले लिया ना फिर तो छोड़ेंगे नहीं, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो कभी भी नहीं बोलेगा मैंने चोरी की जितने उसको पिटाई हो जाए हैं। इसलिए बोले भैया कभी भी जितने पिटाई हो कभी स्वीकार नहीं करना तुमने चोरी की, ये एक बात याद करना। और दूसरी बात याद कर लेना कहीं भी सत्संग हो रही है खबरदार वहाँ तो बैठना है, अगर कभी भूल से भी सत्संग में चले गए सत्संग की कोई बात तुम्हारे कान में पड़नी नहीं चाहिए और अपने कानों में अंगूर डाल देना। बोले ठीक है पिताजी, एक बार उसने कहीं राज दरबार में डाकू डाला तो पुलिस जग गए तो इतने में पुलिस उसको पीछा किया तो भागे भागते जा रहे हैं। लेकिन किसी जब भागते हुए जा रहा बाई चांस कहीं हो रही थी कथा सत्संग हो रही थी माइक बाहर में लगा हुआ था सत्संग हो रही थी, इतने में जो भाग रहा था ना इतने में उसको ठीक सत्संग को सामने आ करके उसको पैर में ना एक लोहे की सीख गड़ गया तो अभी बड़े समझ दुविधा में पड़ गया।
दिव्य धर्म की पॉलिसी पीछे आ रहे हैं। अगर इधर पर कथा माइक लगा हुआ कथा की आवाज आ रही है, लेकिन गुरु पिताजी ने क्या बताया, अगर कहीं बाय चांस सत्संग में चला गया, सत्संग की कोई बात तुम्हारे कान में नहीं पड़नी चाहिए, कान में अंगुल डाल देना। अभी वो सोच रहा है अगर मैं कान में अंगुल डाल दूं प्यार में तो सिख गड़ गई। लोहे अभी सत्संग हो रही, फिर सत्संग की बात कान में पड़, फिर लोहे गड़ गया तो पुलिस से पकड़ लेंगे। अभी उसने सोचा पहले तो बच्चे, उसके बाद में जो कुछ करे। वो लोहे को जब निकाल रहा था ना, वो सत्संग में एक संत कह रहे थे, बोले देवता का दो गुण है। क्या गुण है? दो गुण है। पहला गुण है उसका प्यार कभी पृथ्वी में नहीं लगेगा, ये देवता के गुण है। दूसरे गुण है उनका आंखों का जो पलक है ना, हमारे जैसे झपती है ना, कभी भी देवता का आंखों का पलक कभी झपती नहीं। जब ये बात सुन दिया प्यार से सीख निकालते निकालते, इतने में दो बात कान में पड़ गया तो इतने में पीछे सिपाही आए और पकड़ लिए इसको। जब पकड़ लिए और उसको ले गए और ले गए तो राजा को सामने खूब पिटा किया। बोले बोलो तुमने चोरी की कि नहीं? बोले मैंने चोरी किया ही नहीं। क्यों? पिताजी ने बताया भले जितने पिटाई हो कभी बोलना नहीं चोरी किया। खूब पिटाई, बोले मैं चोरी किया ही नहीं, मैं तो जा रहा था, मेरे को बिना कारण से पकड़ कर ले आए, मैं क्यों चोरी करूँगा? राजा बोले अभी इसको कैसे स्वीकार किया जाए? बोले देखो हमारे पास में देवता है, अभी देवता का कसम खा कर तेरे को बोलना पड़ेगा। हम देवता का कसम बोलते हैं ना, देवता का कसम खा कर तेरे को बोलना पड़ेगा। अभी हम देवता को बुलाते कसम खा कर बोलना पड़ेगा। वो एक इंसान को देवता बना करके ले आए, मतलब सामने देवता कसम खा करके तो बोल गए देवता का। लेकिन सत्संग में क्या सुना था? देवता का दो गुण है, उसको प्यार कभी नीचे नहीं लगता है और उसकी आंखों के पलक कभी झपती नहीं। उसने ऐसे देखा उसका आँख का पलक, वो तो निशान था, देवता तो था नहीं, उसका आँख पलक झप रहा था। बोले अरे इतना आँख पलक झप रही है, और देखा देवता का प्यार जमीन पर नहीं लगता लेकिन लगा हुआ। उसने बोला मैं देवता को सामने कसम खा कर, वो देवता तो थी नहीं, बोले उसको मैं कसम खा कर कह रहा हूँ मैंने चोरी की नहीं। राजा ने देखा भैया जब उसने देवता को कसम खा करके बोला सचमुच से चोरी नहीं है, छोड़ दो उसको, कहाँ से बिना कारण से किसको पकड़ कर लिया। उसने जब घर में गया बोले पिताजी बोल रहे थे, वो दरवाजे को उधर बंद कर देना, इसलिए पिताजी बोल रहे थे भैया सत्संग की बात कभी है, कहीं अगर सत्संग हो रही है सत्संग हो रही तो सत्संग की बात नहीं सुनना, कान में अंगुल डाल दे। लेकिन प्रभु जी तुम कहाँ जा रहे हो? इसलिए बोल रहे थे सत्संग की बात सुनना नहीं। लेकिन देखो मैंने अचानक सत्संग की दो बात हमारे कान में पड़ गया तो ये तो हमें आजीवन कारावास से हमें छुटकारा दिला दिया है। अगर सत्संग की बात नहीं सुनता कारागार में डाल देता ना, लेकिन केवल दो बात ने क्या किया मेरे को आजीवन कारावास से हमें मुक्ति दिला दिया। अगर मैं जिंदगी भर अगर मैं सत्संग सुनूं है, अगर जिंदगी भर अगर सत्संग सुनूं तो मेरे को क्या लाभ नहीं होगा। इसलिए बोले पिताजी आज से आपकी बात और मैं नहीं सुनूंगा, ये सत्संग की दो बात मेरे को आजीवन कारावास से निकाल दिया, अभी तो मैं रोज ही सत्संग सुनूंगा, रोज ही सत्संग सुनूंगा। इसलिए यहाँ पर मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ कहते हरि कथा स्वाभाविक रुचि अभाव जानता है वे, बाह्य कथा ज्यादा रुचि। अभी जिनकी रुचि आप देख लेना हर समय चुगली निंदा करने में इधर उधर बात में ना, उसको कभी भी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी, कभी भी प्रभु की कथा भगवान की कथा किसको अच्छी लगेगी? जिसको ठाकुर जी प्यार है, भगवान को प्रेम करता है, देखना उनकी ही कथा में रुचि होगी, नहीं तो भगवत कथा में सभी का रुचि नहीं होगा। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं असत वार्ता वैश्या विसर्ज मति सर्वस्वहारिणी, जो असत वार्ता है भगवान की कथा छोड़ करके जो वार्ता वो वैश्या वो क्या करता है, बोले मति विसर्ज मति सर्वस्वहारिणी, सारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए महाप्रभु कहते कभी भी इधर उधर की प्रभु की चर्चा छोड़ करके
प्रभु की कथा छोड़कर कहीं कभी भी इधर उधर की बात हमें नहीं बोलनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। मतलब पांचटा लोग एक संग संवेद है ले बाज्य कथा है वे ही है, समझ रहे हो? जो पांच व्यक्ति बैठ जाएगा जो भक्त होएंगे और कच्चे पक्के भक्त जो है, कच्चे भक्त नहीं, कच्चे भक्त अगर बैठ जाए ना वो भी दुनियादारी की बात करना शुरू कर देंगे। अरे जो पक्के भक्त होएंगे ना अगर आपस में बैठेंगे तो हरी चर्चा ही करेंगे, प्रभु की चर्चा करेंगे। आज चलो भागवत कथा हो रही है, आज चलो वृंदा अभी झूलना झूला आ गया ना, चलो हम सब के सब झूला में चलते हैं, वृंदावन में झूला होएगी, वहाँ पर भक्तों का संग होएगा है, नहीं तो इसी धाम में चलो भगवान की चलो सत्संग करते हैं जब भक्त लोग। लेकिन जब बगैर भक्त के पांच व्यक्ति जब जुट जाएंगे क्या करेंगे बताओ? जब हम पार्क में कभी जब माला करने जाते हैं ना, अरे देख लेना पार्क में जितने बूढ़े जब इकट्ठे हो जाते हैं, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ की बात ला करके हैं, बिना कारण इधर ताश खेलने लग जाएंगे, नहीं तो वहाँ बैठ करके जुआ खेलने लग जाएंगे, अरे नहीं तो सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा सारी बात, राजनीति की पता नहीं कहाँ की बात बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब एक संग संवेद है, इसलिए पांचटा लोग संवेद है ले बाज्य कथा है वे, एक जन भक्तगण सतत हरि कथा कीर्तन करें। हरि कथा है ले कह है ग्राम्य कथा व बाज्य कथा आलोचना सुखता है, जहाँ पर भगवान की चर्चा हुई। जैसे देखो अभी जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, जब भगवान की कथा सुन रहे हैं यहाँ पर कहीं इधर उधर बात करने कोई चांस है? है नहीं, क्यों? ठाकुर जी की कथा हो रही है, ठाकुर जी की कथा हो रही है, इसलिए जहरा हरि भजन करते चान तहरा ग्राम्य कथा सुनी वे ना वो बोली वे ना एवं बालक हवार पर अर्दिक दृष्टि दिवे ना। इसलिए कहते जो व्यक्ति सचमुच से हृदय से भगवान की भजन करना चाहते हैं तो उनको क्या करनी चाहिए? कहते इधर उधर की बात नहीं सुननी चाहिए और इधर उधर की बात बोलनी नहीं चाहिए, और हर समय ये चेष्टा नहीं रखनी चाहिए, हर समय हमें बढ़िया बढ़िया खाना, हमें बढ़िया बढ़िया चटर पटर चीज़, हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ मिले। कहते ये तीन चीज़ में हमें ध्यान देनी चाहिए, फिर तो कहते भक्ति हमारी धीरे 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 भक्ति बढ़ते जाएगी भक्ति। इसलिए कारण भालक हवार परार इच्छा बात आते रुचि हरिभजन है ते अवश्य दूरे सराया दिवे। बोले यहाँ पर कहते बोले क्यों बढ़िया नहीं पड़े, बढ़िया क्यों नहीं खाए? बोले कारण है कहते हरि भजन से ये क्या करेगा, अवश्य ही मतलब निश्चिंत रूप में ये चीज हमें दूर ले जाएगा, हमें ये दूर ले जाएगा। इसलिए इसलिए हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन लोग का जो जीवन है ना, उनका जीवन में एक समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, कभी उनका दाल बाटी चूरमा खाने की इच्छा हो, दाल बाटी चूरमा खाएंगे, तो उन्हें बोले तुम दाल बाटी चूरमा खाओगे हैं, तो उन्होंने हैं कहते उन्होंने क्या क्या गंगा की ये गंगा की तो वहाँ की जो मिट्टी लेकर के ना लिखा दाल बाटी चूरमा था, वो मिट्टी खाना शुरू कर दिया हैं, बोले मिट्टी क्यों ले, दाल बाटी चूरमा खाओगे तुम, दाल बाटी चूरमा खाने की। इसलिए हमारे जो गोस्वामी लोग थे वहाँ पर कहते हैं बढ़िया चीज क्या होता है ना, कभी उन्होंने अपना जीवा को कभी टेस्टी चीज़ कभी दिए ही नहीं, कभी ये जीवा को कभी टेस्ट चीज़ दिए ही नहीं हैं, इसलिए किसी तरह से अपना पेट को भर करके कोशिश करते थे जिसे 24 घंटा में भगवत भजन हो। श्री गौर गुसरदास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, जैसे मार्केट में सब्जी बिकता था ना, जब सब सब्जी बिक कर चली जाए जो सब्जी को फेंक देते थे उसको उठा कर ले जाते थे, और उसका जो खराबपन से को छोड़ करके जो उसमें अच्छा रहता था उसको ले करके किसी तरह से रसोई बना कर ठाकुर को अर्पण करते थे, और अर्पण करके और भजन गाते थे, भज भक्त तो गौसल श्री गौर है ये भजन गाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वहाँ पर कहते जो भोजन करते हैं ऐसे लगता था जैसे कोई बढ़िया चीज़ खाए ना, क्या होता है देखना मुँह का जो चेहरा बदल जाते, कोई बढ़िया चीज़ खाओ तो हैं, बढ़िया चीज़ खाओ तो ये जब खाते थे क्यों, भगवान को भोग लगाया, महाप्रभु को राधा कृष्ण भजन किया, उसके बाद में गुरुवर्ग को, फिर जब खाते थे क्या प्रसन्न होकर खाते थे हैं, क्या प्रसन्न। इसलिए कहते जीवा को बढ़िया चीज़ क्या चीज़ कभी उन्होंने नहीं दिया हैं, हर समय कोशिश किया जीवा को हरि नाम रूपी जो बढ़िया चीज़ सबसे कौन है, भगवान की नाम है, ये चीज़ देने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। इसलिए हाँ
कहते कारण भाल खावार परार इच्छा ताते रुचि भजन है तो अवश्य दूर सराय दिवे। भाल भाल खावा परार इच्छा थाकिले कखन ही हरि भजन हईबे ना। आबार ग्राम्य कथा सुना ओ बोलार इच्छा ताते रुचि हरि भजन हईते तफात करिया जीवे के विपत्तिगामी करिबे एवं तहार भजन हईते छुटिया जाइबे। ए जने भजने छु व्यक्ति मात्र ही ये सब विशेष हईते सावधानता का विशेष प्रयोजन तत्वा अमंगल अनिवार्य। इसलिए कहते जो सचमुच से हृदय से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, हर समय यही चीज नहीं ढूंढनी चाहिए कहाँ पर बढ़िया खाना मिलेगा है, कहाँ पर हर समय उसी चक्कर में उसको नहीं रहनी चाहिए और बढ़िया बढ़िया पहने चमक धमक पहने और सारा दुनिया हमको देखते रहे, ये चीज़ से दूर रहना। और तीसरे चीज है कभी भी भगवान की कथा को छोड़ करके बोलना नहीं और भगवान की कथा को छोड़ कर कभी कान में नहीं सुनना। कहते ये चीज़ में अगर हम ध्यान दे दिया तो प्रभुपाद कहते हैं कहते निश्चिंत रूप में जीवन में तुम्हारा मंगल होएगा ही और तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल होगा नहीं। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।